प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर के डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव के अभ्यास प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले हम शब्दकोश अर्थात शब्द और अर्थ को पढ़ेंगे। दर्शनीय, दर्शन के योग्य, मनोरम, सुंदर, मन में रमने वाला। वैभव, वैभव का अर्थ है संपत्ति, संपन्नता। पाषाण, पाषाण का अर्थ है पत्थर। मनोहारी, मनोहारी का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला, मन को हरने वाला। सैलानी, पर्यटक, घूमने वाला। पूरा वैभव, पूरा वैभव का अर्थ है प्राचीन वैभव। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ है प्रकृति से संबंधित। प्रतीक का अर्थ है चिन्ह, संकेत। प्रस्तर का अर्थ है पत्थर। सृजन का अर्थ है रचना, किसी वस्तु का निर्माण करना। मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली। यहाँ पे मोक्षदायिनी कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। अलंकृत का अर्थ होगा सजी हुई। भव्यता, सुंदरता, विशालता। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होगा टक्कर, मुकाबला। निसर्ग का अर्थ है प्रकृति। शैलाश्रय का अर्थ है पर्वतों में आदिम मनुष्यों के आवास स्थल, गुफाएं। नक्काशी का अर्थ है बेल बूटे, चित्र बनाना। समाधि का अर्थ है मृत्यु के बाद बना हुआ स्मृति स्थल। उक्ति का अर्थ है कही गई बात, कहावत। जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीवटा। शाल भंजिका का अर्थ है विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? उत्तर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरों इनके किनारे बसे हैं। अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी गुजरात तक के मार्ग में यह नदी मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से अभिसिंचित करती है। फलस्वरूप इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। ख, पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? उत्तर है इसका, पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय, सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि हैं। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। ग, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं? उत्तर, विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका उज्जैन के राजा थे। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन है। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व का सांदीपनी आश्रम भी यहीं पर है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। ण, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य, लोक नाट्य कौन कौन से हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य राई, सैरी, बधावा, डिमरियाई इत्यादि हैं तथा डोला मारू, माच और स्वांग इत्यादि यहाँ के प्रमुख
लोक नाट्य हैं। छा, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा बच्चों, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयदशमी और दिवाली के साथ साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है। प्रश्न दो, खाली स्थान भरिए। क, मैहर में शारदा माता का मंदिर है। घ, कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका है। ग, झाबुआ का भाबरा ग्राम चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली है। घ, प्राचीनतम स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। आखिरी खाली स्थान है, रीवा में स्थित चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित विकल्प वाले प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर लिखिए। क, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। इसका पहला विकल्प है लोकमाता अहिल्याबाई का, दूसरा लक्ष्मीबाई का, तीसरा सुभद्रा कुमारी का, चौथा दुर्गावती का। इसका उत्तर होगा लोकमाता अहिल्याबाई का। दिल्ली के पितृपुरुष हैं डॉक्टर सर हरिगौर, इसुरी भूषण पद्माकर। इसका सही उत्तर है इसुरी। ग, भारत भवन स्थित है इंदौर में, जबलपुर में, दिल्ली में, भोपाल में। सही विकल्प होगा भोपाल में। घ, दतिया प्रसिद्ध है शारदा देवी मंदिर के लिए, पीताम्बरा पीठ के लिए, तीसरा बावन गज प्रतिमा के लिए, चौथा शाल भंजिका के लिए। इसका सही विकल्प होगा पीताम्बरा पीठ के लिए। प्रश्न चार, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों और नगरों की सही जोड़ी बनाइए। का, कामतगिरी, सही उत्तर होगा चित्रकूट। ख, उदयगिरी, विदिशा, मांडू का सही उत्तर होगा मांडवगढ़। हीरो की खाने जो कहाँ पे स्थित है, पन्ना में, और बौद्ध स्तूप सांची। बच्चों अब हम भाषा अध्ययन पढ़ते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। पानी जिसका अर्थ होते हैं दो, जल और शर्म। खा, अंक, अंक का होता है गोद, संख्या। ग, अमृत, अमृत का होता है गंगा जल और सुधा। घ, अंबर, वस्त्र और आकाश। ण, कनक, कनक को सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। च, कर, हाथ और लगान। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, तोरण द्वार, श्री राम के वनवास से लौटने पर कई तोरण द्वार बनाए गए। ख, पाषाण कालीन, हड़प्पा की खुदाई से कई पाषाण कालीन तथ्य उजागर हुए हैं। ग, हृदय स्थली, इसका वाक्य होगा मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है। घ, जीवन रेखा, गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। ण, भरत मिलाप, रामलीला के दौरान भरत मिलाप की लीला देखकर दर्शकों की आंखें भर आईं। अब आखिरी वाक्य है में प्रयोग है च, प्रस्तर प्रतिमा, पास के मंदिर में गणेश की एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की गई है। बच्चों प्रश्न तीन पढ़ने से पहले हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे
सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। बच्चों, अभी हमने प्रत्यय की परिभाषा को समझा, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ते हैं। शब्दों के अंत में ता, तम तथा कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्तर, ता प्रत्यय, समधनता समता, नीचधनता नीचता, हीनधनता हीनता। तम प्रत्यय, सरल धन तम सरलतम, कठिन धन तम कठिनतम, विशाल धन तम विशालतम। कार प्रत्यय, उपधनकार उपकार, सर धनकार सरकार, कला धनकार कलाकार। इस प्रकार से प्रत्यय जोड़कर हम नए शब्दों को बनाते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। का शान है अहिल्याबाई मालवा की, इसका सही क्रम होगा अहिल्याबाई मालवा की शान है। ख भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश, सही क्रम होगा मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है। ग पवित्र नदियों छिप्रा में से मध्य प्रदेश की एक है, सही क्रम होगा छिप्रा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। घ उदाहरण है खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के, सही क्रम होगा खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रियाएं छांटकर लिखिए। का कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है, यहाँ संयुक्त क्रिया होगी जुड़ा हुआ है। ख भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी जाना जाता है। ग भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास का वैभव सजोए हैं, यहाँ संयुक्त क्रिया होगी सजोए हैं। घ किले अपनी भव्यता की कथा कहते रहते हैं, संयुक्त क्रिया होगी कहते रहते हैं। मांडू के भग्नावशेष राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते प्रतीत होते हैं, यहाँ संयुक्त क्रिया होगी कहते प्रतीत होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।